हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 19 अगस्त 2019। आज से हम प्रीलिम्स अपडेट सीरीज है उसको वापस कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो, इतने दिन काफी सारे काम थे तो उसकी वजह से मैं वीडियो वगैरह वो प्रिपेयर मतलब कंटिन्यू नहीं बना पा रहा था। बट अब जो कुछ काम थे वो सारे काम अपने निपट चुके हैं और अब हम एग्जाम की तरफ आगे फोकस है वो करते हैं। तो अब आगे से कोई वीडियो है वो डिले नहीं होगी और हम जो एडिटोरियल डिस्कशन है उसको भी वापस कंटिन्यू करने वाले हैं। खैर, आज का वीडियो मॉर्निंग में आ जाना था बट काम निपटते निपटते काफी टाइम लग गया, कुछ घर के भी काम वगैरह थे, तो फाइनली अब एकदम फ्री हैं स्टडी के लिए। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जो आज का आर्टिकल है वो है नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में। क्या है वो हम देखते हैं। देखो, कंटेक्स्ट आपको पता होगा, द हिंदू में फ्रंट पेज पे न्यूज भी आई थी कि जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने ये कहा कि भाई जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है हमारा नो फर्स्ट यूज वाला, उसको हम बदल भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान बार बार वो गिदड़ धमकी देता है कि भाई हम ऐसे कर देंगे, हम इंडिया के अगेंस्ट ऐसे न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेंगे वगैरह वगैरह। तो इंडिया ने अपनी कहा कि भाई हम न्यूक्लियर पॉलिसी के बारे में वापस से विचार विमर्श करेंगे। इंडिया ने देखो ऐसा नहीं कहा, अभी डायरेक्टली स्टेटमेंट नहीं आया कि भाई हम न्यूक्लियर पॉलिसी को बदल रहे हैं। ये कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे, मतलब इसमें बदलाव किए जा सकते हैं। देखो, नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है क्या, पहले तो वो हम समझ लेते हैं। नो फर्स्ट यूज डिक्लेयर डॉक्ट्रिन की तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात तो ये कि इसे एडोप्ट कब किया था, इसे इंडिया ने 2003 में एडोप्ट किया था। दूसरी बात ये है, उस टाइम पे खैर बीजेपी की सरकार थी, वो आपको पता ही होगा। देखो, सिनेरियो मैं आपको बता दूं, कोई भी ऐसी कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उस कंट्री के ऊपर इंडिया कभी भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं करेगा। एक तो इंडिया की पॉलिसी है ये, मतलब जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, चाहे वो इंडिया पर अटैक कर दे तो इंडिया उसका जवाब जरूर देगा, बट इसका मतलब ही नहीं कि इंडिया उस पर न्यूक्लियर वेपन दागेगा। नहीं, जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं उससे न्यूक्लियर वेपन से लड़ाई नहीं की जाएगी। दूसरा एक फैक्ट इसमें यह है कि जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है और अगर उसने इंडिया पे पहले अटैक कर दिया तो फिर इंडिया सेकेंड अपने मतलब आप बोल सकते हो कि अपने को डिफेंस में प्रूव करने के लिए या अपनी सेफ्टी के लिए सेकेंड टाइम पे उस पर अटैक है वो न्यूक्लियर वेपन से कर सकता है। अगर हम बात करें एग्जाम्पल से समझने की, तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान, जिसके पास आपको पता है कि न्यूक्लियर वेपन है, वो इंडिया पे अटैक करता है न्यूक्लियर वेपन से, तो इंडिया उसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन का यूज है वो करेगा सेकेंड टाइम में। ठीक है, पहली बार डायरेक्टली इंडिया यूज नहीं करेगा। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो इंडिया ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं किए हैं और डायरेक्टली इंडिया यूज करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इंडिया डायरेक्टली यूज नहीं करेगा। अगर पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट यूज किए हैं तो इंडिया सेल्फ डिफेंस के चक्कर में उसका यूज है वो कर सकता है। दूसरा फैक्ट एक आपको मैंने बता ही दिया था कि वो कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है नॉट यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन कंट्री, जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है उस कंट्री के अगेंस्ट इंडिया न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा और इंडिया केवल उसी के अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा रिटायल के तौर पर, जिस कंट्री ने इंडिया पर न्यूक्लियर अटैक करने की कोशिश है वो की है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका तीसरा वो ये है कि चाइना भी एक ऐसी कंट्री है जिसने नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर जो पॉलिसी है इसको अडॉप्ट किया है 1964 से। चाइना ने जो अपना न्यूक्लियर बम है एक्सपेरिमेंट है वो 1964 में किया था और तभी से चाइना की पॉलिसी ये रही है कि भाई हम पहले किसी पर भी न्यूक्लियर वेपन से अटैक नहीं करेंगे जब तक वो कंट्री हम पे अटैक ना करे न्यूक्लियर वेपन से। तो ये कुछ आपको फैक्ट ध्यान में रखने कि नो फर्स्ट यूज न्यूक्लियर पॉलिसी वगैरह क्या है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है नवरोज फेस्टिवल। हर साल देखो यहाँ पे बात करें 17 अगस्त को नवरोज फेस्टिवल है वो मनाया जाता है। नवरोज है क्या? पारसी जो धर्म है इसके न्यू ईयर को नवरोज फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। मतलब नवरोज फेस्टिवल तब मनाया जाता है जब पारसी न्यू ईयर आता है। आपको पता होगा कि ईरान का जो पुराना नाम है वो पर्सिया था, तो मतलब जो पारसी रिलीजन धर्म है वो बेसिकली पर्सिया यानी ईरान से ही, वहां से इसकी स्टार्टिंग है वो हुई थी। तो एक तरीके से जो ईरान का कैलेंडर है ना उसका बिगनिंग डे है उसको भी पारसी न्यू ईयर के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको थोड़े फैक्ट ध्यान में रखने हैं, हिस्ट्री में भी इसका उल्लेख है वो कई बार आपको मिलेगा पारसी रिलीजन के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा आर्टिकल है वो है आदि महोत्सव को लेके। तो आदि महोत्सव को लेके क्या है वो देखते हैं। आदि, देखो आदि का मतलब क्या है, आदिवासी से है। यहाँ से आदिवासी मतलब जो रूरल एरिया में आपको पता है ट्राइब्स जंगलों में रहती हैं आदिवासी लोग, उनके बारे में यहाँ पे उल्लेख किया गया है। आदि महोत्सव का मतलब है कि जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए फेस्टिवल मनाया जाता है। देखो, एक जॉइंट इनिशिएटिव है आदि महोत्सव, किस किस का, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसी के साथ ट्राइफेड। ट्राइफेड है ना वो एक फेडरेशन है जो कि ट्राइबल एरिया के जो लोग हैं इनके लिए फेडरेशन बनाया गया है, एक संघ है
जिस तरीके से आपको फिक्की के बारे में पता होगा, फिक्की क्या है? फिक्की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारे देश की जो कंपनीज हैं इनको रिप्रेजेंट है वो करता है। तो इसी तरीके से ट्राइफेड भी एक फेडरेशन, एक संघ है जो कि ट्राइबल एरिया के लिए काम करता है। ट्राइफेड के मेनली दो काम है, एक काम तो वो है सर्विस प्रोवाइडर, मतलब ट्राइबल एरिया को सर्विस प्रोवाइड करवाता है, दूसरा है मार्केट डेवलपर। तो थोड़ा हम इसे बैकग्राउंड के साथ समझते हैं। देखो बात ऐसी है कि ट्राइबल एरिया में जो आदिवासी लोग रहते हैं इनके पास ना तो मार्केट की एक्सेस होती है और ना ही इनको पता होता है कि भाई किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करना है, किस तरीके से उनको अपने सामान बेच के अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं वगैरह वगैरह। तो होता क्या है कि जो ट्राइबल एरिया के जो प्रोडक्ट होते हैं मेनली वो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होते हैं, जैसे कि बांस वगैरह की इनकी बनी हुई टोकरियां, इनके कैप वगैरह, इस तरीके के आइटम बहुत सारे होते हैं और उनकी इंटरनेशनल मार्केट में भारी डिमांड है वो होती है और काफी महंगे भी वो बिकते हैं। तो जो ट्राइफेड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप का, ये क्या करता है ट्राइबल एरिया को अवेयर करता है जो आदिवासी लोग हैं इनको, इसी के साथ उनको सर्विस, उनको एक मंच, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है ताकि वो लोग इसके थ्रू यहाँ पे सामान वगैरह बेच सकें, मतलब जगह जगह पे जैसे कि सेमिनार आयोजित करवा दी, गांव के जो आदिवासी लोग हैं इनको जागरूक करवाया कि भाई आप ये चीज बनाओ, इसकी मार्केट में काफी डिमांड है, इसके आपको इतने इतने पैसे मिलेंगे, इस तरीके से इनको अवेयर कराया जाता है। और फिर जगह जगह पे मार्केट भी लगाया जाता है, हाट वगैरह, उन हाट में जो ट्राइबल एरिया के प्रोडक्ट्स हैं उनको सेलिंग भी की जाती है, तो जिससे ट्राइबल का डेवलपमेंट भी होता है। ये काम होता है बेसिकली ट्राइफेड का। जॉइंट इनिशिएटिव हमने डिस्कस कर लिया है। इस बार का जो आदि महोत्सव है इसकी थीम रही है सेलिब्रेशन ऑफ द स्पिरिट ऑफ ट्राइबल क्राफ्ट कल्चर एंड कॉमर्स, ये इस बार की थीम है। देखो मैं ये नहीं कहूंगा आपको ये थीम रटने बैठना है, बट एक बार आप माइंड से, मतलब एक बार आप सरसरी निगाहों से देख लेना कि थीम क्या है, बस इतना ही काम हो जाएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है नो इंडिया प्रोग्राम। नो इंडिया प्रोग्राम है क्या? आपने एक प्रोग्राम और भी सुना होगा, वतन को जानो इनिशिएटिव, है क्या ये? हम देखते हैं। देखो नो इंडिया प्रोग्राम का मतलब ये है कि जो यूथ, मतलब जो लोग इंडिया के हैं जिनकी एज 18 से 30 साल के बीच में है और वो ग्रेजुएट हो चुके हैं, इसमें दो कंडीशन है, एक तो उनकी एज 18 से 30 साल होनी चाहिए, दूसरी ये कंडीशन ये है कि वो एक्चुअली ग्रेजुएट हुई होनी चाहिए, मतलब जिन्होंने बीएससी बीकॉम जो बैचलर की डिग्री है वो प्राप्त की होनी चाहिए। और इंडिया में पहले भी ऐसे को जो प्रोग्राम हुआ है ना इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया हो, वो लोग इस प्रोग्राम के थ्रू इंडिया में आ सकते हैं और उनको इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज है इसके बारे में बताया जाएगा, इंडिया की जो आर्ट्स है वो, इंडिया की जो मॉरल वैल्यूज हैं वो, इसी के साथ इंडिया का जो फैमिली सिस्टम है, किस तरीके से हमारा समाज है काम करता है, सोसाइटी कैसे है, इन सब के बारे में अवेयर करवाया जाएगा। मतलब हमारे देश की जो सॉफ्ट पावर है इसको डेवलप करने के लिए इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। और यह जो प्रोग्राम है यह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है उसके द्वारा ये नो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। मोटो मैंने आपको बता दिया है कि वो इंडियन यूथ जिनकी एज 18 से 30 साल के बीच में है और इसी के साथ उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, यानी कि यूजी की डिग्री पूरी कंप्लीट कर ली है, वो लोग इंडिया में आ सकते हैं। जैसे कि ये मान लो कि इंडिया का कोई पर्सन है, वो बचपन से बाहर रह रहा हो, उसको इंडिया के बारे में पता नहीं हो, ऑब्वियसली जो लोग बाहर रहते हैं उनको इतना पता नहीं होता है, तो उन लोगों को इस प्रोग्राम के तहत इंडिया में बुलाया जाएगा और उनका गवर्नमेंट है वो टूरिज्म वगैरह के थ्रू उनको, मतलब जगह जगह पे ऑल इंडिया भ्रमण वगैरह करवाएगी ताकि उनको हमारे देश जो डाइवर्सिटी है, हेरिटेज है, इन सब के बारे में पता चल सके, मतलब हमारे देश के बारे में जानने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है जीआई टेक को लेके। तो क्या है जीआई टेक के बारे में वो हम देख लेते हैं। देखो पहली बात तो आपको पता होना चाहिए जीआई टेक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। देखो कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ की कोई चीज काफी पॉपुलर होती है और उसकी क्वालिटी भी होती है, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि क्वालिटी भी होती है। अब वो कह सकता है कई लोग उसी एरिया की क्वालिटी का यूज करते हुए, नाम यूज करते हुए बाहर के प्रोडक्ट को उस नाम से बेचते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लें सबसे बेस्ट हम आसाम की चाय का। अब देखो आपको पता है कि आसाम की चाय फेमस है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब ये मान लो कि कोई चाय है, एग्जाम्पल मान लो कि केरल में कोई चाय प्रोड्यूस की जा रही है, अब कोई एक आदमी है जो केरल की चाय को आसाम की चाय का नाम ठप्पा लगा के बाहर बेच रहा है, जबकि आपको पता है आसाम की चाय की वैल्यू बहुत ज्यादा है और वो क्वालिटी भी है उसमें, जबकि केरल की चाय की वो वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि वो देखो एरिया का भी फर्क पड़ता है, ज्योग्राफी का भी फर्क पड़ता है। तो इसीलिए क्या होता है इस चीज को रोकने के लिए कि भाई जो बाहर का नकली मार्ग सामान है इसके ऊपर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी ज्योग्राफी की इंडिकेशन होती है उनका यूज ना किया जा सके, यानी कि
हाँ, केरल की चाय पे आसाम की चाय का ठप्पा लगा के ना बेचा जा सके, जिससे कि आसाम की चाय की वैल्यू खराब ना हो, इसके लिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टे या ठप्पा दिया जाता है। इसमें यह फैक्ट ध्यान रखना है कि यह 10 साल के लिए दिया जाता है, इसके बाद में इसको रिन्यू करवाना पड़ता है, यानी कि लाइफ टाइम नहीं होता है। इंपॉर्टेंट चीज होती है मिनिस्ट्री। यहाँ पे देखो, कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है ना, उस कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इसका पहले नाम था DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, बट उसका नाम चेंज करके उसका नाम कर दिया गया अब DPIIT। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसके द्वारा GITEC दिया जाता है, और इसका जो हेडक्वार्टर है, मतलब GITEC के लिए, वो हेडक्वार्टर बेसिकली चेन्नई में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 10 साल के लिए दिया जाता है। अभी रिसेंटली 4 प्रोडक्ट को दिया गया था, तो देखो ये नाम आपको मैं नहीं बोलूंगा कि चारों प्रोडक्ट रखने हैं। जैसे कि एक तो केरल की जो थिरूर वाइन थी, वाइन का मतलब आपको बता दूं क्या है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये मतलब जो पान खाते हैं ना लोग, उनका जो पत्ता होता है ना, उसको बेसिकली GITEC दिया गया केरला के। इसी के साथ ही मिजोरम का एक जो फेब्रिक है, इस तरीके का जो दिख रहा है आपको डिजाइन, इसको GITEC दिया गया है। और एक मिजोरम की एक शॉल होती है जिसपे कुछ ऐसा ऐसा पैटर्न होता है इस टाइप के डिजाइन का, इसको GITEC है, वो दिया गया है। और एक तमिलनाडु का प्रोडक्ट है वो, मतलब हम बात करें तो हल्दी से रिलेटेड, उसको GITEC प्रोवाइड करवाया गया है। तो ये 4 आइटम है। मैं नहीं बोलूंगा कि आपको चारों रटने हैं, बट आपको पता होना चाहिए GITEC के बारे में कि GITEC कौन है, कौन सी मिनिस्ट्री देती है, और क्या इसकी प्रोसीजर है, वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, आप ये ध्यान रखना कि चाहे GITEC हो, चाहे कॉपीराइट हो, चाहे ट्रेडमार्क से रिलेटेड कोई बात हो, या फिर हम बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, IPR संबंधित जो भी काम हो, ये सारे कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर रेगुलेट होते हैं। मतलब इंडिया के अंदर इनको रेगुलेट करना है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री इनको रेगुलेट करती है। इसी के बाद में अगर हम बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गए, ट्रेडमार्क वगैरह, इनके लिए एक इंस्टीट्यूट है WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको पता होगा UN की एक स्पेशल एजेंसी है, वो रेगुलेट करती है। लास्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है कोंकण एक्सरसाइज को लेके। देखो, जो कोंकण एक्सरसाइज है ना, वो इंडियन नेवी और ब्रिटेन के जो रॉयल नेवी है, इनके बीच की एक्सरसाइज है, और इसमें इंडिया की इस बार INS तरकस, इंडिया की शिप है INS तरकस, उसने पार्टिसिपेट किया है। अब INS तरकस के बारे में थोड़ी सी न्यूज हम देख लें डिटेल। देखो, INS तरकस है ना, पहली बात तो यह कि इंडिया में नहीं बनाया हुआ है, यह बेसिकली इंडिया ने रशिया से खरीदा था, रशिया ने इसको डेवलप किया था, और यह एक तरह का फ्रिगेट है। फिफ्थ तलवार सीरीज थी, आपको बता दूं तलवार क्लास एक सीरीज है इनकी, INS तारंगस की, उसका ही एक है, मतलब आप बोल सकते हो सिप एक टाइप का, और जो फ्रिंगट का काम करता है। फ्रिंगट का मतलब ये होता है कि वो व्हीकल, वो मतलब छोटा टाइप का सिप जो कि मार्गदर्शन का काम करता है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है बड़े सिप वगैरह को। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कोंकण एक्सरसाइज में इंडिया के INS तरकस ने पार्टिसिपेट किया है। INS तरकस है वो तलवार क्लास का एक सिप है, जो कि कहाँ डेवलप किया गया है, रसिया में। तो ये आपको बस इतने फिर ध्यान में रखना है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। आपको डिस्कशन कैसी लगी इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो फिलहाल डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।